Hey. You're not from this channel. Who are you? Go. Hey guys, welcome back to yet another video जहाँ पर हम बात करते हैं साइंस और साइंस से रिलेटेड कुछ ऑसम चीजों के बारे में। और अगर आपने वांडर विजन का एपिसोड 4 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो में बहुत मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो जाके पहले वो एपिसोड देखो एंड देन उसके बाद की वीडियो देखना, बिकॉज बहुत मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। सो नाउ दैट वी आर लेफ्ट विद ओनली द पीपल जिन्होंने ये एपिसोड देख रखा है, सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या फिर CMBR। सो वांडर विजन के एपिसोड 4 में हमने देखा कि डार्सी आस्क्स फॉर अ टेलीविजन सेट, एक पुराना CRT टीवी जहाँ पे उसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो कि उस एरिया के अंदर से, जो कि वेस्ट व्यू वाले एनक्लोज एरिया के अंदर से मिल रहा था, उसको शी वॉन्टेड टू ट्रांसलेट इन टू सम सॉर्ट ऑफ ऑडियो विजुअल पिक्चर या फिर टेलीविजन के आउटपुट में। सो द मेन क्वेश्चन इज कि व्हाई डिड शी आस्क फॉर एन ओल्ड टेलीविजन एंड नॉट ए न्यू टेलीविजन। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो पुराने एरा का टॉक शो था, इसलिए शी वॉन्टेड एन ओल्ड टेलीविजन। इसके पीछे एक बहुत बेसिक रीजन है। सो बेसिकली जितने पुराने टेलीविजन सेट्स होते थे, जितने CRT टेलीविजन यानी कि कैथोड रे ट्यूब वाले टेलीविजन सेट्स होते थे, दे यूज टू वर्क ऑन एनालॉग। अभी के जितने टेलीविजन है, दे यूज टू वर्क ऑन, दे इन फैक्ट वर्क ऑन डिजिटल, राइट? सो एनालॉग टेलीविजन सेट्स में या एनालॉग सिस्टम्स में क्या होता था, एक एंटीना होता था। अब एंटीना का क्या काम होता है? एंटीना का काम होता है फ्रीक्वेंसीज़ को कैच करना। सो एंटीना वाइब्रेट करता है एक मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि आपके जो भी मान लो रेडियो स्टेशन है या टेलीविजन स्टेशन है जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है उस सिग्नल को, उससे जैसी फ्रीक्वेंसी मैच हुई वैसी चैनल पकड़ लिया और आपका आउटपुट आ गया। सो दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंटीना। सो होता है क्या है कि जब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर चैनल रिसीव होता है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब आप चैनल्स के बीच में स्विच करते हो, जब आप चेंज करते हो, तो आपको एक व्हाइट एंड ब्लैक सा नॉइज दिखाई देता है कुछ इस तरीके का, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। सो बेसिकली ये जो व्हाइट नॉइज है, इसका 1% फ्रीक्वेंसी जो है, दैट इज द रेडिएशन जो कि बिग बैंग के टाइम पे निकला था एंड दैट इज मिक्स्ड विद द व्हाइट नॉइज। सो अभी आप टीवी के बीच में जितने भी ये झिकझिक वाले सीन्स देखते हो, दैट इज द रेडिएशन कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द बिग बैंग। एंड इनफैक्ट व्हेन यू आर स्विचिंग बिटवीन रेडियो स्टेशंस, व्हेन यू आर स्विचिंग बिटवीन FM स्टेशंस, तो उसके बीच में भी जो एक फजी सा नॉइज आता है कुछ इस तरीके का, सो ये जो नॉइज है, ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता है। सो बेसिकली हमको ये दिखाया गया था कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि CMBR के साथ कपल होके एक फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ मिक्स होके आ रही थी जिसको उनको आउटपुट में लेना था, इसीलिए दैट इज द रीजन शी आस्क डार्सी आस्क फॉर अ ओल्ड टेलीविजन फॉर अ CRT सेट, क्योंकि CRT सेट्स में जो एंटीनाज होते हैं, दे कैन मॉड्यूलेट द फ्रीक्वेंसी जिसके हिसाब से जो रेडिएशन आ रहा है उसको कैच करके वो एनालॉग सिग्नल में आउटपुट दे सके, एंड नॉट बिकॉज वो पुराने जमाने का शो था इसलिए they wanted an old television. And yeah, that is the science behind it. So that was it for today guys. If you like the video, then don't forget to give this video a big thumbs up and also click on the subscribe button नीचे ताकि और भी वीडियो अपलोड जैसे ही हम करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, because now, sure, it's smarter than before.